ज्वाली उपमंडल के तहत विकास खंड नगरोटा सूर्य की पंचायत सुकनाड़ा का युवक सुशील कुमार सहित दो अन्य युवक पिछले दो महीने से नाइजीरिया के समुद्री लुटेरों की कैद में हैं। इराक के मेसूल के गम से हिमाचल अभी उभरा ही नहीं था कि हिमाचल के तीन युवक अब नाइजीरिया में किडनैप हो गए हैं। तीनों युवक कांगड़ा जिले के हैं। अजय कुमार पालमपुर का रहने वाला है, पंकज कुमार समलोटी कांगड़ा से और सुशील नगरोटा सूर्य से है। सुशील हाल ही में मर्चेंट नेवी में तैनात हुआ था और पिछले 13 साल अलग अलग कंपनियों के साथ काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि उनके शिप को नाइजीरिया में हाईजैक कर लिया गया। कांगड़ा के दो युवक भी उसके साथ हैं, उन्हें भी जंगल में रखा गया है। सुशील कुमार की 31 जनवरी 2018 को घर वालों से बात हुई थी, उसके बाद उसकी तरफ से कोई बात नहीं हुई। गौर रहे कि 12 मार्च को उसके घर पर एक सैटेलाइट कॉल आई थी जिसमें सुशील ने अपना घटनाक्रम घर वालों को बताया। सुशील ने अपने भाई को फोन पर बताया कि 17 समुद्री लुटेरों ने बंदूक की नोक पर उनको बंधक बनाकर रख लिया है, जिसके बाद कॉल काट दी गई। इस कॉल के बाद फिर से सुशील की कॉल घर पर आई जिसमें उसने लुटेरों द्वारा मांगी जा रही 11 मिलियन नायरा की फिरौती का जिक्र किया, जिस बारे में घर वालों ने सुशील जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि वो समुद्री लुटेरों के संपर्क में हैं और उन्हें पैसे दे देंगे। इस घटना के बाद सुशील के घर वाले काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सुशील के साथ दो और लड़के अजय कुमार और पंकज, जो दोनों कांगड़ा के ही रहने वाले हैं, वह भी समुद्री लुटेरों के कब्जे में हैं। सुशील कुमार के पिता रघुवीर सिंह ने बताया कि उनसे सुशील कुमार को लुटेरों ने 22 लाख रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा और ईमेल के माध्यम से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार सुशील कुमार और उनके दोनों साथियों को सही सलामत भारत लाए। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी 2018 तक सुशील से बात होती रहती थी लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को सुशील का फोन आया था और सुशील ने बताया था कि उन्हें शिप से निकाल कर ले गए हैं और कहीं जंगल में रखा है, जहां 12 से 15 लोग बंदूकों और हथियारों के साथ हैं और हमें एक समय का खाना दिया जाता है। सुशील के पिता ने कहा कि वह 22 लाख रुपए तो नहीं दे सकते लेकिन सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम रघुवीर सिंह, मेरे बेटे का नाम सुशील कुमार। सुशील कुमार 25 नवंबर को बॉम्बे से फ्लाइट होकर बेनिन कंट्री में गया था। वहाँ पर वो मैरीन मैक्स मरीन कंपनी में उनका शिप था, उस शिप में काम किया। उसने शिप कैप्टन था उस शिप का। जब शिप बेनिन से नाइजीरिया के लिए लोड होने के लिए गया, वो टैंकर शिप था, उसमें डीजल लोड होता है, तो नाइजीरिया में उन्होंने हाईजैक कर लिया शिप और जितने उसके अंदर क्रू थे उनको उतार कर किसी जंगल में ले गए। वो बोल रहा था कि तकरीबन 4 घंटे हमें गाड़ी में लेके गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब शिप पे एक 6 तारीख को एक खबर आई कि एक शिप हाईजैक हुआ, तो हम भी थोड़े अलर्ट हो गए। तो उस अलर्ट वजह से हमें ये पता लगा कि उस शिप में हमारा सुशील नहीं है। हमने बॉम्बे से कॉन्टैक्ट किया, बोलते सुशील नाम का लड़का इसमें नहीं है। फिर हमने मालक का नंबर ढूंढना शुरू किया तो सी बोर्ड जो उसका साइन हुआ था उसके ऊपर इसके नंबर मिले हमें बैनर के, वहाँ से हमें शिप ओनर का नंबर मिला। तो शिप ओनर ने हमें बोला कि जो शिप है वो समुद्र के अंदर एंकर पर खड़ा है और मेरी बात हो रही है, मैं आपकी बात करा दूंगा। ऐसे करते करते उसने फरवरी में हमारी कोई बात नहीं कराई, बोला मेरी बात होती है और उधर से कम्युनिकेशन आपके इंडिया में बात नहीं हो सकती। जब सुशील का 12 तारीख को फ़ोन आया तब हमें थोड़ा डाउट हुआ कि ये लड़का कहीं दुखी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 मिनट बात होने दी, बाकी बात नहीं होने दी, मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन 4 दिन पहले जब फ़ोन आया तो उसने बोला कि डैडी हम एक जंगल में हैं और वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, उस टेंट के अंदर हम रहते हैं और खाना हमें एक टाइम दे रहे हैं और जो 15-16 आदमी हैं वो सब गन वाले हैं। जब फ़ोन लेके आते हैं तो बोला फ़ोन करो और बोलो घर वालों को मैं पैसा दो। और वो नाइजीरियन करेंसी जो है वो 11 मिलियन मांग रहे हैं, नायरा होता है उधर का, 11 मिलियन नायरा। इसके अलावा सुशील के भाई अमित धीमान ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व प्रधानमंत्री को भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। सुशील के भाई विनय कुमार ने बताया कि 3 दिन में एक बार उसके भाई से समुद्री लुटेरे बात करवाते हैं। सुशील कुमार के माता पिता और उनकी पत्नी पूजा देवी का रो रो कर बुरा हाल है और बच्चे भी अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। सरकार अगर मैं पैसा दे नहीं सकती, मेरे बेटे दूसरे दिन मेरे पास भेज दो।